मत जाओ छोड़ के, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। और रुस्तम, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अरे मैं अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकती अपने फ्रेंड्स के सामने। तुम समझते क्यों नहीं हो, हमारा कोई मैच नहीं है। मुझे लगा था कि टाइम के साथ तुम चेंज हो जाओगे, पर तुम आज भी वही हो। तो प्लीज हाँ, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। यार मैं कोशिश करूंगा यार खुद को चेंज करने की। इतने टाइम से तो तुम चेंज हुए नहीं, अब क्या चेंज होगे? लीव इट रुस्तम, इट्स ऑल ओवर, गुड बाय फॉरएवर। प्लीज प्रीत, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। प्रीत, 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 प्रीत। मेरे से ब्रेकअप क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया? प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लुक एट यू एंड लुक एट मी, कल तुमने मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। वे भी बोल रहे थे कैसी बहनजी टाइप गर्लफ्रेंड पटा रखी है। मुझे नहीं रहना यार। देखो प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, मैं खुद को चेंज कर लूंगी। बस यार नहीं रह सकता, ब्रेकअप। गौरव, गौरव। क्या मैं बहन जी जैसे दिखती हूँ? किसने कहा तुम बहन जी जैसी दिखती हो? तुम जैसी लड़कियां ना प्यार के लिए बनी है, टाइम पास के लिए नहीं। लेकिन मैं तो उसी से ही प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता यार, तुम उससे बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती हो, जो तुम्हारी इज्जत करे, जो तुमसे प्यार करे, तुम्हारे लुक से नहीं। आई डोंट केयर, मैं उसी से ही प्यार करती हूँ और उसके बिना जी नहीं सकती। अच्छा रहो मत, अगर मैं जैसा बोलूंगा ना वैसा करोगी तो तुमसे प्यार ही नहीं, तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन उसके लिए ना तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट करना होगा, और जैसा मैं बोलूंगा वैसा करोगी तो। हाँ ठीक है, पर क्या करना होगा मुझे? अब सब आज ही बता दूँ? तो फिर कब बताओगे? कल मिलते हैं, फिर बताऊंगा क्या करना है। ठीक है बाय। सुनो, वो सच में आ जाएगा ना? ट्रस्ट मी, सच में आ जाएगा। तो आज से तुम्हारा ट्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब जो जो मैं बोलूँगा उसे फॉलो करना है। फर्स्ट स्टॉक, कभी तुम्हें उसे स्टॉक नहीं करना है, अपने प्यार के लिए गिड़गिड़ाना नहीं है, क्योंकि हम किसी इंसान को जितना प्यार के लिए अप्रोच करते हैं, पीछा करते हैं, वो इंसान उतना ही दूर भागता है। समझ गई, आगे। सेकेंड इग्नोर, अगर वो तुमसे बात करने का ट्राई करे तो उसे इग्नोर करना है, मैं बताऊंगा सही टाइम बात करने का। ठीक है? अच्छा। थर्ड, सोशल मीडिया पे ना ये चंपू टाइप्स पिक्स अपलोड करना बंद कर दो, और जो अपलोड कर रखी है ना उसे डिलीट करो, मैं तुम्हारी अच्छी अच्छी पिक्स क्लिक करूंगा, उसे अपलोड करना। ओके ओके। फोर्थ, चेंज योर लुक, हाँ तो समझ गई सब? हाँ समझ गई। गुड, अब वैसे तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, फैमिली जयपुर में रहती है। और तुम करते क्या हो? बस मॉडलिंग और फोटोग्राफी ये सब। अच्छा, तभी तुम मुझे इतनी बढ़िया बढ़िया टिप्स दे रहे हो। मैं पहले ऐसा नहीं था, एक इंसान की वजह से मैं इतना चेंज हो गया।
अच्छा वैसे कौन है वो शख्स? कहाँ खो गए? कहीं नहीं, फिर कभी बताऊंगा उसके बारे में। चलो कोई नहीं। अच्छा मुझे लेट हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है। कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम परफेक्ट। अब तो तुम्हें देख के वो पागल हो जाएगा। क्या सच में? हाँ। लेकिन ड्रेस थोड़ी छोटी नहीं है? एकदम परफेक्ट है। चलो अब। देख वो खड़ा। अब जैसा जैसा समझाया था वैसे वैसे करना है, ठीक है? हाँ ठीक है। बाकी चीजें कॉल पे समझाऊंगा। ओके। अब जाओ। ये तो सुमन है, लेकिन ये इतनी चेंज कैसे हो गई? सुमन सुनो, वो तो मुझे ही देख रहा है। इग्नोर करो और सीधा चलो, उसे लगना नहीं चाहिए कि तुम उसे देख रही हो। सुमन सुमन मेरी बात तो सुनो। सुमन मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? कौन सुमन? इट्स जैस्मिन। वैसे मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन? जैस्मिन? यार मैं गौरव, इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो? ओह अच्छा अच्छा याद आया, गौरव ब्रेकअप। हाँ बोलो। यार काफी चेंज हो गई हो। हाँ तो ये बताओ काम क्या है, मुझे लेट हो रहा है। वो काम तो कुछ नहीं है, बस थोड़ी बात करनी थी। ओह बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बाय। तुमने जैसा जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया, और तुम्हें पता है उसकी तो आंखें फटी रह गई मुझे देख के। खुश हो? हाँ बहुत। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ क्या होता है। अब वो तुम्हें अनब्लॉक करेगा, तुम्हें मैसेज करेगा, लेकिन तुम्हें इग्नोर करना है। जैसा जैसा मैं बोलूंगा वैसे वैसे करना है। ओके गुरुजी। थैंक यू सो मच, तुम्हें नहीं पता आज तुमने मेरी कितनी मदद की है, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हेलो यार, गौरव का मैसेज आया। तुमने कोई मैसेज तो नहीं किया ना? नहीं अभी नहीं। मैसेज सीन करके उसे इग्नोर करो। क्या? बट वो दोबारा मैसेज करेगा? भरोसा नहीं है मेरे पे।
हाँ भरोसा है। गुड। दोबारा मैसेज आया उसका, क्या करूं मैं? तो आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान अब तुम्हें ना उसके सामने ना कोई फेक बॉयफ्रेंड बना के लेके जाना है। वो जितना जेलस होगा उतना ही तुम्हारे करीब। तो बुला लो किसी फ्रेंड को। बुलाने की क्या जरूरत है, बॉयफ्रेंड तो यही है। यहीं पे? यहाँ कौन? तुम? मैं नहीं करूंगा बॉयफ्रेंड की एक्टिंग। तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते क्या, प्लीज? ठीक है चलो चलो। वो आ गया। चला गया रुस्तम? चला गया वो। ठीक है फिर, आज का टास्क कंप्लीट हुआ। चलो बाय बाय। उसने कल मिलने के लिए बुलाया है और सॉरी वॉरी भी बोला पास्ट के लिए और ये तक कहा कि मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। ओके और हाँ, इतनी जल्दी ना पिघल मत जाना, थोड़ा भाव साव खाना। और लास्ट टिप, जितना उससे दूरी बना के रखोगी ना वो उतना ही तुम्हारे करीब रहेगा। ओके गुरुजी, और कोई टिप्स? नहीं, बस ऐसे हंसते रहना। वैसे तुमने नहीं बताया कभी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में? गर्लफ्रेंड छोड़ो ना यार। अरे यार बताओ ना प्लीज। होगी तब बताऊंगा ना। सीरियसली तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? तुम उससे झूठ बोल रहे हो ना? मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा, ये सच है। इतनी अच्छी टिप्स देते हो तुम तो किसी को भी पटा सकते हो, फिर भी तुम सिंगल हो। बस जिसे चाहता हूँ उसे ही नहीं पटा पाया। क्या, किसे चाहते थे? किसी को नहीं। वैसे तुमने कभी देखा है कोच को क्रिकेट खेलते हुए? तो वैसे जरूरी थोड़ी ना मैं टिप्स देता हूँ तो मेरी गर्लफ्रेंड हो। ओ अच्छा, तो ये बात है। अच्छा सुनो ना, कल गौरव ने मुझे बुलाया है मिलने के लिए, तुम भी साथ चलो ना, क्योंकि तुम जब मेरे साथ होते हो ना तो मुझे अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। ओके मैं आ जाऊंगा। पक्का ना? ओके बाय बाय। क्या कर रहा है भाई तू? कहाँ क्या कर रहा हूँ? तू जैस्मिन से प्यार करता है? नहीं करता। करता है करता है करता है। हाँ करता हूँ तो, बट वो तो गौरव से प्यार करती है ना, तुझे भी पता है गौरव उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। मुझे फर्क नहीं पड़ता,
वो उससे प्यार करती है, उसकी खुशी में मेरी खुशी है। कल आखिरी चांस है, जाके उसे बोल दे कि तू उससे प्यार करता है। नहीं बोलना मुझे कुछ, मेरा काम था तुझे समझाना, बाकी आगे तेरी मर्जी। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो। सब कुछ तुम्हारी तो देना है। अरे ये क्या, ये मेरे लिए? थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। तुम्हें पता है तुम मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट और बेस्ट मोमेंट हो। चलो मैं चलती हूँ। पर तुम्हारी लाइफ नहीं। कल तुमने मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। वे भी बोल रहे थे कैसी बहनजी टाइप गर्लफ्रेंड पटा रखी है। क्या हुआ, कुछ बोलोगी? जब से आई हो ये रोज और चॉकलेट ही देखे जा रही हो। बाय द वे, ये रोज और चॉकलेट दिए किसने? ये रुस्तम ने। रुस्तम ने? ये रुस्तम कौन है? है कोई, ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? हाँ हाँ करता हूँ। और ये ऐसा सवाल क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे इस नए लुक से प्यार करते हो। ये क्या बोल रही हो, पागल हो गई हो? जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं आज भी वही सुमन हूँ जिनकी तुम इंसर्ट करके और ब्रेकअप करके चले गए थे। यार क्या फर्क पड़ता है मैं तुमसे प्यार करूं या तुम्हारी लुक से, हो तो तुम ही ना। फर्क पड़ता है गौरव, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे लुक से नहीं मुझसे प्यार करे। लुक्स का क्या है, ये सब तो सिर्फ दिखावा है। जो इंसान सच्चा प्यार करता है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे रहते हो, कैसे दिखते हो, वो तो सिर्फ आपसे प्यार करता है। यार ये तुम क्या बोल रही हो? जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। अब जाके मेरी आंखें खुली हैं, मैं तो वही सुमन हूँ जिसकी तुम इंसर्ट करके ब्रेकअप करके चले गए थे। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तुम जैसा इंसान कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता, जाके ढूंढ लेना जो लुक्स में बेस्ट दिखती हो। बाय फॉरएवर। जैस्मिन, जैस्मिन। तुम यहाँ? तुम गौरव के पास नहीं गई? गई थी पर सब खत्म करके आ गई। लेकिन क्यों? जो सच्चा प्यार करता है उसे छोड़कर दिखावे के प्यार के पीछे भाग रही थी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। उसे मेरे लुक से प्यार है, मुझसे नहीं, वरना मैं तो वही हूँ जिसे वो छोड़कर गया था। यही चीज तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में समझा रहा था, जो तुमसे सच्चा प्यार करेगा ना तुम्हें हर कंडीशन में अपना लेगा। हाँ अब जाकर समझी मैं, वरना कहीं फंस जाती मैं। वैसे तुमने अभी बोला मैं सच्चे प्यार को छोड़ के दिखावे के पीछे भाग रही थी, तो सच्चा प्यार कौन है? तुम हो, और कौन? मैं? पागल हो गई हो? बस करो तुम, और कितनी ओवर एक्टिंग करोगे? हाँ मुझे दिखता नहीं है क्या तुम मेरे लिए ये रोज लेके आए और ये चॉकलेट लेके आए? जब मैं जा रही थी तब तुम मेरे लिए सैड फील कर रहे थे, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब समझ में नहीं आता? अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ठीक है तो फिर मैं जा रही हूँ। सुमन, बिना तेरे कोई दिलकश नजारा हम ना देखेंगे, तुम्हें ना हो पसंद उसको दोबारा हम ना देखेंगे, तेरी सूरत ना हो जिसमें